भगवान खाटू श्याम नहीं है, खाटू श्याम जी भगवान के भक्त हैं। जानते हैं आप, भगवान कृष्ण जब महाभारत काल में भगवान कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में थे और भगवान महाभारत की सेना तैयार करा रहे थे पांडवों की, उसी काल में उसी वक्त घटोत्कच जो कि भीम का पुत्र था, घटोत्कच की और उसकी पत्नी का नाम था मौरवी, मौरवी नाम की पत्नी और घटोत्कच इन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था बर्बरीक। तो खाटू श्याम जी कृष्ण नहीं है, दुनिया सोचती कृष्ण है, कैसे कृष्ण कहलाने लग गए, उसका कारण क्या है, क्यों इनको श्याम का नाम मिल गया। तो मैं इनके सामने बैठ के बोल रहा हूँ भगवान के, अगर भगवान इस बात को स्वीकृति करेंगे, क्योंकि ये शास्त्रिक दृष्टि है ना, ये कोई मानसिक धारणा नहीं है, इसमें लिखा है भागवत महाभारत में कि घटोत्कच भीम का पुत्र था और घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे बर्बरीक, और बर्बरीक ने उसी प्रकार जैसे बाणासुर ने शिवजी की तपस्या करी, इसने भी शिवजी की तपस्या करी थी, क्योंकि राक्षस लोग शिवजी की तपस्या करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी सतोगुणी भक्त ने शिव की तपस्या करी, जितने भी सुनेंगे रावण, कुंभकर्ण, आप ये देख लो बाणासुर, उसके बाद भस्मासुर, जितने सुनेंगे सब असुर हैं। ध्रुव ने किसकी करी, कृष्ण की। प्रहलाद ने किसकी करी, कृष्ण की। सुदामा ने किसकी करी, कृष्ण। भक्त मिलेंगे कृष्ण की करने वाले, असुर मिलेंगे शिवजी। क्यों, शिवजी को भगवान ने सेवा दी है कि जितने असुर है ना, इन सब भूतों को मुक्त करो तुम, इसलिए उनका एक नाम है भूतनाथ, भूतों के नाथ है। बिच्छुओं को, भूतों को, प्रेतों को शमशान में किसकी मूर्ति लगती है, शिवजी, क्योंकि भूतनाथ उनकी सेवा है, वो भगवान नहीं है, भगवान के सेवक हैं, सबसे बड़े सबसे प्रिय सेवक हैं। इसीलिए हरि हरि केशवा जपत महेशवा, महेश जी जपते हैं। तो महेश जी ने इस बर्बरीक को खुश होकर के 3 बाण प्रदान किए थे, इसलिए इस बर्बरीक का एक नाम था त्रीण बाण धारी। क्या नाम था, त्री बाण धारी, 3 बाण धारण करता था। क्या धारण करता था बाण, त्री बाण। इसके पास एक बाण था कि अगर इसको किसी सेना के सामने खड़ा हो तो शिवजी ने वरदान दिया था, तुम तीर छोड़ना, सारे लोगों को पहले तिलक टिक लगाएगा, किस किस को, जैसे हमें फाइल डिलीट करनी हो तो सेलेक्ट करते हैं ना, 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल 4 फाइल, तो सिलेक्शन के लिए तीर जाएगा, टक 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 टक, सेलेक्ट कर लेगा किस किस को मारना है, उसके बाद वापिस आ जाएगा, फिर दूसरा बाण छोड़ा जाएगा और वो फिर जा करके इनको डिलीट करके आएगा, मार करके आएगा, और तीसरा वाला बाण जो है वो आकर के फिर इसको फिनिश करेगा, क्लीन कर डालेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 बाण उसके थे। जब ये लेकर के आया तो भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध की संरचना बना ही रहे थे, तो भगवान कृष्ण का टारगेट डिसाइड करो, कितने दिन महाभारत का युद्ध, 18 अक्षौणी सेनाएं कितने दिन में समाप्त हो जाएंगी। तो कहा गया कि भीष्म ने कहा, मुझे लगता है 20 दिनों में महाभारत का युद्ध समाप्त हो सकता है। द्रोणाचार्य जी, जिस भूमि पर हम बैठे हैं, द्रोणाचार्य आश्रम, द्रोणाचार्य जी से पूछा गया, द्रोणाचार्य जी आप बताते कितने दिन में महाभारत का युद्ध समाप्त होगा। द्रोणाचार्य ने कहा 25 दिन में हो जाएगा 18 अक्षौणी सेना। फिर अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन तुम क्या सोचते हो, अर्जुन बोले 28 दिन। युधिष्ठिर से पूछा गया, युधिष्ठिर बोले 18 दिन। ऐसे सबने अलग अलग दिनों को बताया। फिर बर्बरीक वहां खड़ा था, बड़ा धुनरधर, शिवजी से तपस्या बाण लेके आया था, बोला तुम कितना सोचते हो। तो बर्बरीक बोला 1 मिनट, 1 मोमेंट आई कैन किल एवरीवन, सबको मार सकता हूँ। बर्बरीक जी की जब ये बात सुनी कृष्ण ने, तो सारे पांडव और सब ऐसे भौचक्का होकर देखने, बोले अरे महाभारत का हम शुरू करेंगे और समाप्त कर देगा। तो उन्होंने पूछा तुम किसकी ओर से लड़ोगे, बोले मैंने अपनी माँ को वादा किया है, मैं हारी हुई सेना का साथ दूंगा। इसीलिए कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, बोले हारे का सहारा, जो हारेगा उसका साथ दूंगा। तो कहा तुमने ऐसा निर्णय क्यों लिया, कहा क्योंकि मैं भीम का पुत्र हूं, तो मैं पांडवों का साथ दूंगा, क्योंकि वह 7 अक्षुणी है और वो लोग 11 अक्षुणी है, 10 पहले थे, 1 कृष्ण से नारायणी सेवा ले ली, तो वह 11 अक्षुणी हो गए। कौरव और पांडव कितने, 7 अक्षुणी, तो कौन कम है, पांडव, तो मैं इनका साथ दूंगा। बोला लेकिन, कृष्ण ने कहा लेकिन तुम तो हारे के सहारे हो ना, और तुम ये जानते हो कि जिधर मैं हूं उधर हार हो नहीं सकती, तो फिर कहाँ जाओगे। सोचने लगा बर्बरीक, कहता है फिर तो मैं कृष्ण वसुदेव
कौरवों की दिशा से लड़ना पड़ेगा। बोले हाँ। बोले फिर क्या सोचते हो? बोले जो आप कहें वासुदेव। तो अब सोचने के लिए वो सोच, हाँ तुम जाओ, हम आते हैं सोच करके। भगवान कृष्ण ने अपने को ब्राह्मण के रूप में परिवर्तित किया और ब्राह्मण रूप लेकर भगवान इस महाभारत कुरुक्षेत्र के किनारे में अरावली की पहाड़ियाँ हैं उस पहाड़ के ऊपर मिलने के लिए बरबीक से पहुँचे। बोले बरबीक ब्राह्मण का वेश लेकर। बोला जी ब्राह्मण देव। बोले मैंने सुना है तुम बहुत बड़े धानी हो। बोला हाँ धानी हो। कहा मुझे तुम्हारा एक कौशल देखना है, तुम्हारे बाणों की बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो भगवान चेक भी करना चाहते थे, इतना बड़ा बड़ा बोलकर आया है कि दम भी है कि नहीं इसके बाणों में। तो कृष्ण ने कहा तुम क्या मुझे इस वट वृक्ष के जितने भी पत्ते हैं इनको तोड़कर दिखा सकते हो? मान लो ये एक सेना के छोटे 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 सैनिक हैं, इन सबको मार सकते हो? बोला ठीक है ब्राह्मण देव, पहला तीर सारे पत्तों में निशान लगा के आएगा और फिर दूसरे तीर से सब में छिद्र हो जाएंगे और फिर तीसरे तीर से वापस छिद्र समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण ने कहा मुझे करके दिखाओ। तो उन्होंने लिया और करके तीर छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा पर्वत से होता हुआ सीधा और वट वृक्ष के अंदर सारे पत्तों पे निशान लगाने लगा। और अब जब निशान लगाने लगा सारे पत्तों पे तो फिर क्या हुआ, कृष्ण ने देखा तो सब निशान लग गए, वो तीर वापस चला गया। फिर उसने दूसरा तीर लिया छेद करने के लिए, सब में छेद कर दिया था। कृष्ण ने साइड से एक पत्ता तोड़कर पैर के नीचे डाल लिया, कहा देखते हैं ढूंढता है कि नहीं। वो तीर बिल्कुल टारगेट अग्नि मिसाइल की तरह ढूंढने लगा और आकर के सारे पत्तों में छिद्र करके पुनः कृष्ण के पैरों के ऊपर ऐसे इशारा करने लगा। तो वो कहते हैं तुम्हारा तीर मेरे पैरों के ऊपर क्यों आ गया है? बोले वसुदेव, जो आप विप्र रूप में हैं, आपने मेरे एक पत्र को अपने चरणों के नीचे दबा रखा है, कृपया कर इसे छोड़ दीजिए वरना आपके पैर में छिद्र होगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप मेरे पूजनीय हैं और आप मेरे पितामहों के पूजनीय हैं, पांडवों के पूजनीय हैं, कृपया कर अपना पैर हटा। भगवान ने पैर जैसे करके उसमें भी तीर कहा इसको बंद करके दिखाओ, तीर छोड़ा फिर वापस हरा भरा हो गया पैर। तो उन्होंने कहा बरबरी कहता है आप प्रसन्न हैं वसुदेव, अपने एक विराट रूप का दर्शन दिखाइए। तो भगवान ने पांडवों को दिखाने से पहले बरबरीक को अपने विराट रूप का, पूर्ण नहीं था अर्ध विराट रूप का दर्शन करवाया, चतुर्भुज में विष्णु रूप नारायण रूप का दर्शन कराया, है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम कुछ चाहते हो वरदान? बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए सदा जैसे मेरे पितामह पांडवों ने आपकी शरण ग्रहण करी, मैं चाहता हूँ सदा आपके नाम से लोग मुझे जाने। कहा अगर तुम ये चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। कहा क्या दक्षिणा चाहते हैं? तो ने कहा देखो दो कारण यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला कारण यह कि इस महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले किसी एक क्षत्रिय की बलि देनी पड़ेगी। जैसे कोई भी भागवत प्रारंभ होने से पहले भागवत की पूजन होता है, कुरुक्षेत्र पर जब पांडव लोग युद्ध करेंगे उससे पहले किसी एक वीर पुरुष की बलि देनी पड़ेगी, तभी जाकर ये युद्ध प्रारंभ होगा। दूसरा कि तुम क्या इसके लिए देने को तैयार हो, अपने इस गर्दन को तुम अपनी बलि देने को तैयार हो? बोला लेकिन मैंने इतनी तपस्या करी है, मैं चाहता था कि मैं 18 दिन के इस युद्ध को पूर्ण देखूं, तो क्या आप मुझे ऐसा कर सकते हैं कि मैं आपको दान भी दे दूं, बलि भी हो जाए और मेरा जो गर्दन है मुख यह हमेशा विराजमान रहे, पूरी महाभारत देख सके? भगवान कृष्ण बोले मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। और उन्होंने उठा करके उनके गर्दन को ऊपर पहाड़ पर लकड़ियां लगा के रख दिया। कहते हैं ये थे बरबरीक थे, इनके पूर्व जीवन की कथा आती है, ये शायद किसी ने नहीं सुनी होगी, पूर्व जीवन की कथा आती। कहते हैं बरबरीक जो थे यह यक्ष थे। क्या थे? यक्ष कौन होते हैं? यह देवता होते हैं जो पेड़ आदि पर रहते हैं। जब पांडव वन में विचरण कर रहे थे तो उन्हें एक यक्ष ने प्रश्न किए थे, है ना। तो देवता होते हैं जो जल के देवता, वृक्षों के देवता, लेकिन सूक्ष्म रूप से बिना शरीर के आत्म रूप में रहते हैं, तो कई लोगों ने प्रेत भी कहते हैं। तो यक्ष अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर भक्त ही यक्ष बनते हैं। मान लो कोई भजन करने वाला, चैंटिंग करने वाला है और वो सुसाइड कर ले तो क्या बनेगा अगले जन्म? उसे यक्ष बनना पड़ेगा, क्योंकि ही इज़ अ डिवोटी बट ही इज़ डूइंग क्राइम ऑफ सुसाइड, तो इसको यक्ष बनना पड़ेगा। अब ये किसी ना किसी चीज़ का देवता बनकर रह सकता है लेकिन शरीर नहीं मिलेगा इसको। तो होते स्पिरिचुअल हैं लेकिन गोस्ट फॉर्म में होते हैं। तो यक्ष था और ये अपने पूर्व जीवन में, कहते हैं ब्रह्मा और सारे देवता एक बार वैकुंठ में भगवान के पास गए थे कि भगवान
ये देखो वैरागी है कोई। तो एक बार सारे के सारे देवता भगवान के पास गए थे कि कृष्ण आप अवतरण लीजिए ब्रह्मा क्षीर सागर पर, अभी कंस का बहुत ज्यादा प्रकोप हो गया है। तो ऐसे काल में जब कंस का प्रकोप था, तो इस कंस के प्रकोप को कम करने के लिए कृष्ण आप अवतरण लीजिए। सभी ने प्रार्थना करी। अब कृष्ण कैसे अवतरण लें? तो इसने कहा था यक्ष ने, आप कहते हैं कि कृष्ण की जरूरत है, अरे मैं अकेला जाकर के जितने असुर है ना पृथ्वी पे सबको एक बार में नाश कर सकता हूं, सबको एक बार में। कौन किसने कहा था? सुन ही नहीं रहे आप, पॉलिथीन देख लो पहले, देख लो उसमें भगवान निकलेंगे ना। हाँ जी, यक्ष जो था भगवान के पास जब सारे देवता आए तो सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु आप नीचे अवतरण लीजिए और अवतरण लेकर के सारे असुरों का वध करिए। तो इस यक्ष ने कहा भगवान की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। किसने ये किसलिए कहा? दर्प के कारण, घमंड, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। इस घमंड के कारण जब इसने कहा मैं कर सकता हूं, तो सारे देवता तो बोले अच्छा तुम कर लोगे कंस का नाश कर लो? कह रहा सबका कर सकता हूं, भगवान की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से ये जो था ना इसको श्राप मिला कि तुम्हें भगवान ही के पास जाना पड़ेगा और देखना तुम्हारा भगवान ही गर्दन तुम्हारी काट देंगे। इसको श्राप मिला था। इसीलिए भी बाणासुर जो थे, बाणासुर नहीं या बर्बरीक जो थे, अपूर्व काल में यक्ष होकर के अपनी गर्दन प्रदान किए थे और उनको ये श्राप मिला था, इसलिए बर्बरीक को अपनी गर्दन देनी पड़ी, क्योंकि तो ब्रह्मा जी का श्राप था उनके ऊपर। तो इस वजह से जब उनकी गर्दन खड़ी रही और 18 दिन का युद्ध पूर्ण हो गया तो सारे पांडव बड़े खुश थे, हाँ जीत गए हम। भीम बोले हम जीत गए, अर्जुन बोले गांडीव जीत गया, युधिष्ठिर बोले धर्म जीत गया। तो है ना कृष्ण बोले रुको इतनी जल्दी किस बात की है, चलो चलो एक बार हम बर्बरीक से तो मिल लें। सब बर्बरीक से मिलने गए। बर्बरीक तुमने युद्ध देखा? बोले जी वासुदेव बहुत सुंदर युद्ध था। बोले क्या देखा तुमने इस युद्ध में? कहा मैंने देखा कि हमारे पितामह अर्जुन का बाण निकलता है और रथ के उस पहिए को भी पार नहीं करता, घोड़े के पास ही टपक के गिर जाता है। फिर नीचे से वासुदेव का सुदर्शन आता है, वो उस तीर को उठाता है और जाकर सामने वाले की सेना में इसका वध कर डालता है। तो पांडव अर्जुन की गर्दन ऐसे हो गई। भीम बोले लेकिन गदा बर्बरीक की गर्दन हंसते हुए कहती गदा, उनकी गदा उड़ती थी और जाकर के अपने ही घुटने के पास अपने ही बल से नीचे गिर जाती थी, इतने भारी गदा थी। तो बोले कैसे वो जाती सामने वाली सेना पे लगती थी? वासुदेव का सुदर्शन आता था, वो उठाता था गदा को और जाकर सामने वाली सेना का संहार करता था। तो इसका मतलब मैंने ये देखा कि पूरी सेना में ना तो उधर से ना इधर से, ना उनके बाण वहां जा रहे थे ना उनके बाण यहाँ आ रहे थे, यहां से सुदर्शन वहां जा रहा था और वहां से भी सुदर्शन यहाँ आ रहा था। तो बर्बरीक की बात सुनकर पांडवों का अहंकार दर्प तो चकना चूर, सब चूर हो गए, एकदम मिक्सचर बना दिया उसका। तो इस प्रकार बर्बरीक से जब पांडव सब ऐसे हो गए, बर्बरीक को कृष्ण ने कहा बर्बरीक तुमने आज इस आत्म तत्व को जान लिया है, वासुदेवम सर्वम इति ही, तुम ये जान गए हो हर चीज कृष्ण के ही कारण है, इसलिए कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओ। अब उन्होंने क्योंकि गर्दन काटी थी तो नाम तक काटू, और श्याम सुंदर ने कटवाई थी इसलिए नाम पड़ा काटू श्याम, क्योंकि वो काटू श्याम जी की जो मूर्ति थी उन्होंने उठा करके उस गर्दन को राजस्थान में लाके रख दिया और वो युद्ध क्षेत्र में से ऐसे करके फेंका, जाओ कलयुग में तुम्हारा नाम हो। वो गर्दन आई 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 आके जम करके नहीं। तो जिधर खाटू नगर पड़ा, और खाटू नगर नहीं था काटू नगर, क्योंकि गर्दन कटकर गिरी ना, तो लेकिन बाद में वो क्योंकि अपभ्रंश हो जाता है, जैसे मैंने बताया अन्य और को अन्य और कर दिया, या अरिष्ट ग्राम को आज गोवर्धन पे रिट ग्राम कहते हैं जहाँ अरिष्टासुर मरा था, ऐसे ही काटू को खाटू खाटू कहने लगे। और वहाँ के जो राजा थे उनको स्वप्न आया कि भगवान के बड़े भक्त हैं बर्बरीक, जिन्होंने अपनी गर्दन का दान महाभारत प्रारंभ होने से पहले किया, उनकी उपासना भगवान के भक्त के रूप में होनी चाहिए, इसलिए उनकी गर्दन यहीं खोजो निकालो और उनकी स्थापना करो। अब कैसे खोजें, कहाँ से ढूंढें? तो ढूंढते ढूंढते पता चला कि एक गाय है और वो आकर के रोज एक पर्वत पर दूध नछावर करती है,
और रोज दूध कैसे दोहन करती, बिना धोए दूध निकलता है। तो उन्होंने जब खुदाई की तो निकला वहां पर बर्बरिक जी की ओरिजिनल, ठाकुर जी के बर्बरिक जो भक्त थे उनकी गर्दन मिली, उस गर्दन को स्थापित करके खाटू श्याम के दर्शन बनाए गए। खाटू श्याम जी की जय।